निर्ममता दीदी जिस तरह से बंगाल के अंदर हमले करा रही है, उसकी निर्ममता कल देखने को मिली जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय नड्डा जी और आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी पर उन्होंने इस तरह का हमला करा। निंदनीय कृत्य है। राजनीति में ऐसा नहीं होता जैसा वो कर रही। कल मैंने उनका टीवी पे बयान सुना, वो कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के बाहर से गुंडे आ गए। निर्ममता दीदी को हम तो बाहर के गुंडे नजर आ रहे हैं और जो पाकिस्तान बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं वो घर के नजर आ रहे हैं। जब उनकी पार्टी का प्रचार करने अभी लोकसभा में साल भर पहले बांग्लादेश के कलाकार आए तो वो घर के थे, हम भारत के वासी भारत के अंदर चले गए तो हम बाहर के हो गए। जिस बंगाल में कवि रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी रामचंद्र परमहंस, बक्किम चंद चंद्रोपाध्याय जी जैसे लोग बंगाल को आध्यात्मिक और साहित्यिक दिशा देते थे, बड़े बड़े बंग भंग के समय से जो आंदोलन हुए, जिस बंगाल ने दिशा दी, उस बंगाल की इतनी दुर्गति मैंने वहां पर देखी। भय के वातावरण में लोग रहते हैं, अकेले भारतीय जनता पार्टी के नहीं, आम जन रहता है। कोई भी अगर तृणमूल के खिलाफ बोल दे तो आप अचंबा करेंगे। हमें होटल नहीं मिल रहा था वहां रुकने के लिए, कोई होटल देने को राजी नहीं है। बोले आपको रुकवा लेंगे तो हमारे होटलों पे कार्रवाई होगी, फूड इंस्पेक्टर ड्रग इंस्पेक्टर आ जाएंगे। इस तरह से राजनीति होती है क्या? ये निंदनीय कृत्य है।